बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने काश्तकार भाइयों के साथ मुखातिब हूँ, आपसे ये गुजारिश करने ये वीडियो बनाई गई है कि जब आप चावल की काश्त करें तो उसमें हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जो जहरीली अद्वियात होती हैं, और उसके लिए हम आपको जो है तफसील देंगे, उनका इस्तेमाल जो है उससे गुरेज किया जाए। ये अद्वियात जब लगती हैं हमारे चावल के फसल को, तो बाहर के मुल्कों में इसको जब हम बरामद करते हैं, उसी से किसान को फ़ायदा भी मिलता है और अपनी कीमत भी मिलती है, तो वहाँ से जो है इनको वापस कर दिया जाता है अगर इसमें जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल कसरत से हो। ना तो कुछ जो बैंड दवाइयाँ हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, और जो फ़ायदेमंद दवाइयाँ भी हैं उसकी मिकदार उतनी ही होनी चाहिए जितनी किए जो उस दवाई के ऊपर लिखा गया है या उसकी रिकमेंडेशन आपको मिलती है जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं या एक्सटेंशंस हैं या कंपनी के तरफ से। अगर हमारे जो चावल मुंजी अगर वो रिजेक्ट होना शुरू हो जाएं, तो दुनिया की दूसरे ममालिक से जो है वो हमारी इन मार्केट्स को के ऊपर वो काबिज़ हो जाएंगे। तो हम और आप मिलके जब किसी चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, उसी में ही हम सबका फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, आपके कारोबार का भी फ़ायदा है और मुल्क का भी फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई किसान भाई जो हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और वो अद्वियात इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि उनकी काश्त की हुई जो उसका चावल जो है वो बाहर की मंडियों में बिक न सके। प्यारे किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम आपको चावल की फसल में पाए जाने वाली बीमारियों, कीड़े मकोड़ों और नुकसानदेह जड़ी बूटियों के बारे में आगाही देंगे, जबकि दूसरे हिस्से में चावल के लिए रजिस्टर्ड हशरात कुछ अद्वियात का जिक्र करेंगे। बिलखुसूस हम आपको इन अद्वियात के बारे में आगाही देंगे जिनके इस्तेमाल से इंसानी सेहत को शदीद नुकसान हो सकते हैं और जिनका इस्तेमाल बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में ममनू है। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारी चावल की कुल पैदावार का तकरीबन आधा हिस्सा बैरूने मुल्क बरामद किया जाता है, जिससे मुल्क कसीर ज़र मुबादला कमाता है, और फिल वक्त हमारी चावल की बरामद बहुत से ममालिक में शदीद मुश्किलात का शिकार है। अगर हमने अभी से इसका तदारुक ना किया तो ख्याल गालिब है कि हमारी बरामदात ना सिर्फ मुतासिर होंगी बल्कि नतीजा में हमारे किसान भाइयों को इनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा भी नहीं मिलेगा। चावल की फसल में पाई जाने वाली अहम बीमारियों में धान का भपका या ब्लास्ट, धान का गुलाफी झुलसाओ, बकावनी, पत्तों के भूरे धब्बे, चावल के पत्तों का जरासीमी झुलसाओ, तने की सड़ांड और चावल की फॉल स्मट शामिल हैं। चावल के ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों में तने की जर्द सुंडी, तने की सफेद सुंडी, चावल का सफेद पुष्ट वाला तेला, चावल की पत्ता लपेट सुंडी, चावल का टोका, लश्करी सुंडी और चावल की स्याह भूंडी शामिल है। चावल की फसल में पाई जाने वाली अहम जड़ी बूटियों में घास के खानदान वाली जड़ी बूटियां, जिनमें बांसी घास, सवांकनी घास, ढुड्डन, खब्बल घास, नड़ू और कलर घास या लम घास वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा डेले के खानदान से तलक रखने वाली जड़ी बूटियों में घुएं, भुएं और डेला शामिल है। चावल की फसल में चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, जिनमें कुत्ताकमी, मिर्च बूटी, चौपत्ती और दरियाई बूटी शामिल है। चावल की बीमारियों में दीगर जररसा अवामल के तदारुक के लिए प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने 139 अद्वियात को रजिस्टर्ड कर रखा है। इन अद्वियात में से बेशतर पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से मंजूर शुदा और इस्तेमाल में हैं, मगर इनमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जो इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह होने के बायस और नई तहकीक के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में बंद कर दी गई है, और इनकी बाकियात दरामद शुदा चावल में पाई जाए तो
तो ना सिर्फ उस चावल को मुस्तरद कर दिया जाता है बल्कि इन मुल्कों से चावल की दरामद पर पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसी ही एक पाबंदी का सामना 2017 में हिंदुस्तान को करना पड़ा जब इसकी बासमती पर एक दवा ट्राईसाइक्लाजोल की वजह से पाबंदी लगी और मुल्क को अरबों रुपए के जर मुबादला से महरूम होना पड़ा। पिछले 12 सालों में पाकिस्तान का चावल अमेरिका और यूरोप में 161 बार मुस्तरद किया गया जिसकी वजूहात में कार्बनडिज्म, थायोफेनेट मिथाइल, ट्यूबिकोनाजोल, क्लोरोपायरीफास, डाइफिनाकोनाजोल, एसीटामेप्रिड, ट्राईएजोफास और अमीडा क्लोप्रिड की दरामद शुदा चावल में इजाजत से जायद बाकियात का पाया जाना है। इन अद्वियात का इस्तेमाल इन ममालिक में या तो ममनू है या फिर दरामदी चावल में इनकी बाकियात की मौजूदगी की एक हद मुकर्रर है। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि कोई भी जड़ी बूटियों को तलफ करने वाली रजिस्टर्ड दवा की वजह से हमारा चावल मुस्तरद नहीं हुआ बल्कि इन तमाम दवाओं का ताल्लुक या तो कीड़ेमार अद्वियात के जुमरे में आता है या फिर वो चावल की बीमारियों के इंसदाद के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें से कार्बनडिज्म, थायोफेनेट मिथाइल, टेबुकोनाजोल, डाइफिनाकोनाजोल और ट्राईसाइक्लाजोल बीमारियों के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि बाकी मानदा अद्वियात कीड़े मारने के लिए हैं, जबकि एसीटामेप्रिड तो चावल के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं। प्यारे किसान भाइयों, वीडियो के इस दूसरे हिस्से में हम आपको चावल की बीमारियों और कीड़ों के इंसदाद के बारे में बताएंगे, मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत सी बीमारियां और कीड़े मकोड़ों से अच्छे काश्तकारी के तरीके इख्तियार करके बचा जा सकता है। मंजूर शुदा साफ अच्छे और तंदुरुस्त बीज का इस्तेमाल, चावल की पनीरी की मुकर्रा वक्त पर काश्त और खेत में मुंतकली, फसल की जरूरत के मुताबिक कीमे खादों खसूसन नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल, खेत के अंदर आसपास और खालों से जड़ी बूटियों का खात्मा और पिछली फसल के मुड़ टांडे और दूसरी बाकियात को मुकम्मल तल्फ करना शामिल हैं। इन बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो कम से कम कीड़े मकोड़े और बीमारियां हमलावर होती हैं। चावल की अहम बीमारियों में धान का भपका या ब्लास्ट, धान का गुलाफी झुलसाव, बकावनी, पत्तों के भूरे धब्बे, चावल के पत्तों का जरासीमी झुलसाव, तने की सड़ांड और चावल की फॉल स्मट शामिल हैं। इन बीमारियों के इंसदाद के लिए बहुत सी दवाइयां रजिस्टर्ड हैं। इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो दवाइयां जिनमें डाइफिनाकोनाजोल, कार्बनडिज़म, थायोफेनेट मिथाइल, ट्यूबोकोनाजोल और ट्राईसाइक्लाजोल शामिल हों, इनका लेबल पर दी हुई सिफारिशात से जायद मकदार में इस्तेमाल ना किया जाए। मजीद बरा इनकी बर्दाश्त से पहले स्प्रे करने के वक्फे पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। हर दवा के लेबल पर बर्दाश्त से पहले स्प्रे का वक्फा दर्ज होता है जिसे PHI यानी प्री हार्वेस्ट इंटरवल कहते हैं। बाजार में ऐसी बहुत सी दूसरी अद्वियात मौजूद हैं जो ना सिर्फ इन बीमारियों पर कारामद हैं बल्कि इनके इस्तेमाल से इंसानी जानों को होने वाले मुमकिना नुकसानात से भी बचाया जा सकता है। बीमारियों के अलावा चावल की फसल में कीड़े भी हमलावर हो सकते हैं जिनके कंट्रोल के लिए बाजार में बहुत से कीड़े मार जहर मौजूद हैं। कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए पनीरी, खेत और खलियान की सफाई, पिछली फसल की बाकियात को तल्फ करना, मुनासिब बीज का इस्तेमाल, वक्त पर काश्त और बर्दाश्त, पोटाशियम की खादों का मुनासिब इस्तेमाल, जड़ी बूटियों को तल्फ करना और वक्त पर जरूरत के मुताबिक आबपाशी शामिल हैं। चावल के अहम कीड़ों में तने की जर्द सुंडी, चावल का सफेद पुष्ट वाला तेला, चावल की पत्ता लपेट सुंडी शामिल हैं। इन कीड़ों के इंसदाद के लिए बहुत सी कर्मकुश अद्वियात यूं तो रजिस्टर्ड हैं, मगर वो दवाइयां जिनमें अमीडा क्लोप्रिड, क्लोथिया निडिन, ट्राईएजोफास, थायामिथोक्सम और क्लोरीपायरीफास अगर इस्तेमाल की जाए तो इनका इस्तेमाल लेबल पर दी हुई सिफारिशात के मुताबिक हो और बर्दाश्त से पहले बताए गए दुरानिये यानी PHI का सख्ती से ख्याल रखा जाए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मार्केट में बहुत सी मुतबादल अद्वियात मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से अच्छे नतायज हासिल किए जा सकते हैं। बर्दाश्त के बाद फसल की फौरी छड़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि बर्दाश्त के वक्त दानों में नमी ज्यादा होती है, इसलिए लाजम है कि गल्ला को जल्द अज जल्द सुखाया जाए ताकि नमी की मकदार को कम किया जा सके। इस सिलसिला में कोताही के नतीजे में गल्ले पर कीड़े और फफूंदी हमलावर होती हैं और इसके मयार को खराब करने का बाइस बनती हैं। ये भी देखा गया है कि बाज किसान भाई धान को चमक देने के लिए इस पर कीड़े मार दवाओं का स्प्रे करते हैं जो ना सिर्फ ये के इंतहाई खतरनाक अमल है बल्कि इसके नतीजे में चावल खाने वाले लोग कैंसर और बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। मजीद बरा ऐसा चावल बरामद भी नहीं किया जा सकता